अंजू, ये नाम तो याद होगा आपको। भारत में अपना हंसता खेलता परिवार छोड़कर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अपने प्यार को ढूंढने निकली थी ये मोहतरमा। अब भारत वापस आ गई है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन ये मैडम तो इस कहावत से भी आगे निकली। अंजू भारत आने के बाद फिर से एक बार चर्चा में है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसने पाकिस्तान में कह दिया था कि वो वापस नहीं आएगी तो ऐसा क्या हो गया जो उसे भारत वापस आना पड़ा। अंजू के वापस लौटने के बाद आईबी और पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने अंजू से लंबी पूछताछ की। उसने बताया कि वो अपने बच्चों के लिए भारत आई है। अब उसकी सोच पर सवाल उठते हैं, वो ये कि जब अंजू पाकिस्तान गई तब उसे अपने बच्चों के बारे में कोई ख्याल नहीं आया। माँ को ममता की मूरत कहते हैं, तो क्या इस माँ को ममता की मूरत कहना सही है? जब महीनों पाकिस्तान में वो अपने प्रेमी के पास थी तब घर पर उसके बच्चे क्या अपनी माँ को नहीं ढूंढते होंगे? पाकिस्तान में रहकर अंजू ने अपने परिवार को दर्द में छोड़ा और अब भारत आकर उसे खुद सिरदर्द हो रहा है। मीडिया से मुंह छुपाकर चल रही है ये। पूरा बयान सुनिए। मुझे कोई कमेंट नहीं। मैंने थोड़ा बोल दी, माइक से थोड़ा सा बोलना है। इतना बोल दिया क्या दिक्कत, क्या दिक्कत क्या हुई थी? हेडेक हो रही सर में। क्या दिक्कत की हुई थी ये बता दीजिए, इतना तो बता दीजिए मैं प्लीज। कोई दिक्कत नहीं, मैं हैप्पी हूँ। नहीं, आपको वापस स्कूल भेजा गया ये तो बता दीजिए। आपको वापस क्यों भेजा गया? मिलने आए हो पहले आप? हाँ जी, मुझे कोई कमेंट नहीं। हाँ जी, वापस क्यों आए? तो अंजू भारत तो लौट आई, लेकिन अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि भारत आने के बाद आखिर अंजू किसके पास जाएगी और कहाँ रहेगी? अंजू का पहला पति अरविंद पहले से ही भड़का हुआ है। ऐसे में अरविंद अंजू को साथ नहीं रखेगा। उधर अब यही कयास है कि अंजू अपने पिता के घर जा सकती है, लेकिन खबर आई कि अंजू के पीहर में पड़ोसी लोगों ने अंजू के आने पर विरोध जताया। इस दौरान मीडिया में पड़ोसी लोगों ने कहा कि हमें आज जानकारी हुई कि अंजू पाकिस्तान से भारत लौट आई है, अगर ये लोग अपनी लड़की को यहाँ बुलाएंगे तो हम गाँव आने नहीं देंगे। अगर तुम उसको लड़की को बुलाएंगे तो हम तुमसे खिलाफ हैं। क्या लगता है अगर लड़की को तो वैसे गाँव वाले नहीं आने देंगे सर। हिंदुस्तान भाई हम और हिंदुस्तान आइए तो क्या लगता है आपके मन में, क्या अगर ऐसे कोई आता है तो? नहीं, जे हमको तो ऐसा लग रही है कि अगर देखो जब माँ बाप है तो माँ बाप अगर फोन पे बुला सकती है तो आ भी सकती है और निकाल भी सकती है। जो वाले कोई चोर को तो कोई पकड़ नहीं सकता है, और जो सही होता है वो चौड़े में आ जाता है। तो अगर रात में अगर मिलके चली जाए तो बता नहीं सकती है, वैसे गांव के अंदर घुस नहीं सकती है वो, इतना हमको भरोसा है। अभी आप ही गए प्रसाद जी से अभी बात भी हुई थी, किस प्रकार से व्यवहार था उनका? व्यवहार तो अभी तो उनका गलत व्यवहार था उस लड़की से। हमसे तो जो लोग लड़की से बोल रहा था मेरे से मरेगी, तो हमने बोला तो वो गर्म गर्म में बोल रहे थे कि मेरे को मारना चाहते हो, मैं मर जाऊं का। लड़की को तो वैसे हमारी तरफ से लड़की यहाँ आ नहीं सकती है। ऐसे में आखिर अब अंजू का ठिकाना कहाँ होगा, अंजू कहाँ रहेगी? यह सवाल लोगों में चर्चा का विषय बना है। भारत लौटने से पहले अंजू ने पाकिस्तान के मीडिया में बयान दिया था कि आज मेरा पाकिस्तान में आखिरी दिन है, अब तक मेरा सफर अच्छा रहा, यहाँ लोगों ने अच्छे से ट्रीट किया। उधर भारत लौटने के बाद अंजू ने कहा कि वो भारत लौटकर काफी खुश है, लेकिन अंजू ने एजेंसी से पूछताछ के दौरान कहा है कि वो अपने पहले पति से तलाक लेने के बाद अपने बच्चों को पाकिस्तान लेकर जाने की कोशिश करेगी। अंजू दोनों जगह अलग अलग बयान दे रही है जो कि विरोधाभास है। मैडम अपने बच्चों को ले जाने की बात तो कह रही, लेकिन अरविंद और अंजू के पिता ने पहले ही उसे घर न आने की धमकी दी। अंजू ने एक निजी टीवी न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा था कि अभी उसने डिसाइड नहीं किया कि वो भारत में रहेगी या वापस लौटेगी। उसने कहा कि पाकिस्तान में लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया, मेरी जमकर खातिरदारी की है। उसने कहा कि उसे बच्चों की याद आती थी और वो लगातार फोन पर उससे बातचीत करती थी। इस दौरान अंजू ने दावा किया कि उनके पति नाराज नहीं है, लेकिन अब आप पति का बयान सुनिए। उन्होंने साफ कहा कि बच्चे माँ के साथ नहीं रहना चाहते। तोड़ दिया बच्चों का दिल, तोड़ दिया उसने जाके ही, पहले ही तोड़ दिया उसने। अब बच्चों का प्यार नहीं रहा। क्या कह रहे हैं बच्चे? अब मेरी बड़ी लड़की कह रही पापा अब उनको बोल दो, अगर वो आएगी भी तो ना केवल यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगर वो आके दावा करती है बच्चों पर, अपने हक पर, अपने पति पर, तो क्या उसके लिए आपके कदम होंगे? मेरे पे क्यों करेगी हक? उस पहले ही से मेरे से मांग रही है तलाक, तो मेरे से क्यों हक करेगी? बच्चे मांग रही है तलाक, अभी हुआ थोड़ी है। मांग रही है तो मैं कहां से, वो तो पहले ही से कह रही है ना, दिल्ली में मैंने जमा कर रखा है तलाक का पेपर, मैं कभी गया है ही नहीं, दिल्ली मेरे को लेके गई नहीं है। तो ये पाकिस्तान की जो दौरा है उनका जाना, एक महीने का वीजा बनवाना, इसको आप फिर किस नजरिए से देख रहे हो? ये तो मेरे को लग रहा है फर्जी के हिसाब से बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।